नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर के सिंधी कैंप इलाके में एक युवक की लाश नाले में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नाले में युवक की लाश मिलने की जानकारी मिलते ही स्थानीय हनुमानताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाले से युवक की लाश निकालने के बाद मृतक की शिनाख्त करवाई। पुलिस को लाश की शिनाख्त के दौरान पता चला कि मृतक राम प्रसाद चौधरी इसी क्षेत्र का रहने वाला है और उसे फिट आने की बीमारी है और वो शराब पीने का आदी भी था। पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन मृतक राम प्रसाद चौधरी सिंधी कैंप के पास स्थित नाली की पुलिया पर बैठा हुआ था, इस दौरान ये घटना हो गई। पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ज्ञात हो पाएगा कि मृतक राम प्रसाद की मौत कैसे हुई। नाले में पानी अधिक था और मृतक के पानी में गिरने के बाद नाले का पानी उसके शरीर में चला गया, जिस कारण उसकी मौत होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और अब राम प्रसाद की मौत के कारण का पता लगा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक मर की सूचना हमको शाम को प्राप्त हुई थी। ये राम प्रसाद रामचंद्र चौधरी है, लगभग 27-28 साल का लड़का है और इनके घर वालों ने बताया इसको फिट भी आते थे और ये शराब पीने का आदि भी रहा, तो संभवतः ये पुलिया में बैठा रहा हो। ये घटना है सिंधी कैंप की, जो वहाँ पे सिंधी कैंप चौकी है उसके पास पुलिया है, उस पर बैठा था। जो पीछे गिर जाने के कारण जो है इसको कुछ चोट भी आई है और पानी आनी था उसमें, तो इससे उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पे जाके हम लोगों ने तस्दीक और शव पंचनामा वगैरह कार्रवाई चालू कर दी है और इसको अभी बॉडी मर्चुरी में रखवा दी जाएगी। मृत्यु का कारण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अत्यधिक नशे में रहा होगा या तो फिर फिट आया होगा, क्योंकि यह पूरा पानी में पड़ा हुआ था और पूरा मुंह से हो सकता है कि पानी इसके अंदर चला गया हो, जिसके कारण दम घुटने से इसकी मृत्यु हुई हो। फिर भी जो भी कारण है ये पीएम के बाद आएगा। बाकी इसमें कोई ऐसी परिस्थितियाँ संदिग्ध प्रतीत नहीं हो रही हैं कि किसी से इसका झगड़ा हो या कुछ हत्या टाइप का हो। फिर भी हर एंगल से हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। ये क्या करता था? कुछ यह मजदूरी का काम करता था, जो है कभी हमाली का काम कर लिया, कभी किसी के साथ चला गया, इस तरीके का काम करता था। ऐसी खबर लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।